नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंचूत्रा। छत्तीसगढ़ के राजनंदा गांव जिले में शुक्रवार को एक पुलिया की रेलिंग से टकराने के बाद एक कार में आग लगने से एक व्यापारी, उनकी पत्नी और उनकी तीन बेटियों की जलकर मौत हो गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक दंपति, उनका परिवार जिले के खेरागढ़ कस्बे का मूल निवासी है। हादसे के समय वह पड़ोसी जिले में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। वहीं पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना सिंगारपुर गांव के पास देर रात करीब 2 बजे हुई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक प्रत्याशी के अनुसार कार पुलिया की रेलिंग से टकराकर पलट गई और सड़क से फिसल गई। इसके बाद कार में आग लग गई, जिसके कारण उसमें सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान सुभाष कोचर, उनकी पत्नी कांति देवी और उनकी तीन बेटियों भावना, कुमारी वृद्धि और पूजा के रूप में हुई है। दंपत्ति की तीनों बेटियों की उम्र 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पा लिया गया था। जले हुए शवों को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस इस हादसे की विस्तृत जांच कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।